सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। क्या KFC में मिलता है सिर्फ चिकन? तो सारा दिन मैं क्या खाने वाली हूँ? Let's find out. Hi guys, I am Priyanka और आज मैं करने वाली हूँ 24 hours challenge, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ सारा दिन सिर्फ और सिर्फ KFC. So come on, let's get started. It's breakfast time. तो चलिए guys, जरा चल के देखते हैं KFC में कि क्या vegetarian options available है. आ जाओ. So guys, breakfast आ गया है और ये देखो भाई मैंने क्या opt किया है. टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ये है, ये देखो ना पैकेजिंग कितनी सुंदर है ना इनकी. एंड ये है वेज स्ट्रिप. ये तो बस इतनी सी है. ओ माई गॉड गाइस, डब्बा इतना बड़ा है और ये जो स्ट्रिप्स है वो सिर्फ 4 है. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. और के साथ मैंने यहाँ पे लिया है भाई 7 अप. गर्मी बहुत है ना, इसको पीते ही ना मैं रिफ्रेश हो जाऊंगी. चले भाई, इतने जरा से स्ट्रिप्स हैं, खा के बताती हूँ कि कैसे हैं. ऐसे इतने कम दिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ये देखो, ऑल राइट, यहाँ सेंटर से तोड़ते हैं इसको. क्या क्या भरा है इसके अंदर? अरे वाह, इसके अंदर तो ये मटर, गाजर एंड और भी चीजें भरी, पता चलेगा क्या है. स्ट्रिप्स तो जोरदार है और इसके अंदर ना मुझे ये कॉर्न भी दिख रहे छोटे छोटे. वैसे इनकी जो आउटर क्रस्ट है ना, जिसके लिए एक्चुअली ये जाने जाते हैं, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी है. और अंदर का जो स्ट्रिप्स का मसाला है ना, हल्का हल्का सा स्पाइसी है. एक ही शिकायत है, कम दिया उन्होंने. चलिए भाई, 7 अप भी तो पी ली जाए. ये पता है मेरे से खुलती नहीं है घर में, पता है कैसे खोलती हूँ? इसमें हमेशा नाइफ घुसा देती हूँ, फिर इसको ओपन कर देती हूँ. चलो भाई, अभी यहाँ पे ऐसे ही खोल लेती हूँ और ये भी बाहर आ जाएगी. हाँ, थोड़ी सी बाहर आ गई है. ये पी के सचमुच ना मैं रिफ्रेश हो गई गाइस, एंड ये बहुत ही बढ़िया है. चलो अब करती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट, करते हैं, भूख बहुत लग रही है. इट्स लंच टाइम गाइस, और यहाँ पे मैंने ली है KFC की वेज मील. ये देखो भाई, ये इकलौता वेज बर्गर है जो मुझे यहाँ KFC में मिला है. तो चलो दिखाती हूँ कि कैसा है. कम ऑन, हैव अ लुक. सो गाइस, दिस इज कॉल्ड वेज जिंगर बर्गर एंड जस्ट ओप्स, जस्ट हैव अ लुक. ओ ओ भाई, इसके अंदर तो कोई वेजिटेबल्स ही नहीं लगी, सिर्फ थोड़े से पत्ते लगे लेटिस के. और उसके साथ, चलो अभी खा के बताऊंगी कि कैसा है. उसके साथ मैंने ली है ये ठंडी ठंडी पेप्सी एंड साथ में मिला है मुझे ये फ्रेंच फ्राइज. देख रहे हो मील के अंदर कितने छोटे छोटे से पैकेट में लिए फ्रेंच फ्राइज. चलिए भाई, पहले बर्गर खाऊंगी, भूख बहुत लग रही है. आप फ्राइज जाइए इधर ताकि कुछ भी ना गिरे. ऑल राइट, बर्गर तो काफी बड़ा दिख रहा है, देखती हूँ कि कैसा है. गाइस, जो जिंगर बर्गर की जो पैटी है ना, वो तो एक्चुअली बहुत ही डिलीशियस है और हल्की सी स्पाइसी भी है. बट इन्होंने ना ये जो सिर्फ बर्गर की पैटी रख के दे दी है बर्गर में, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. क्योंकि अगर टमाटर, प्याज और थोड़े से जो है गर्गन्स लगा देते तो बड़ा मजा आ जाता. ड्राई नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी मेयोनीज लगी हुई है, बट फिर भी इनका जो ये बन है ना, ये ठीक ठीक है भाई. मुझे बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स का जो ये बन होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है. अरे बाप रे, सब तरफ से घिरा चला जा रहा है. एक्चुअली जो कमाल है ना, वो इनकी पैटी का है जो है वेज पैटी, और इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी डली हुई हैं अंदर. बट अगर ठंडे ठंडे और क्रिस्पी क्रिस्पी से अनियंस डाल देते तो और मज़ा आता. चलिए, ये देखिए सारी मेयोनीज मेरे हाथ में ही आ गई है. पहले जरा हाथ साफ कर लेते हैं, उसके बाद खाएंगे ये फ्रेंच फ्राइज. अरे यार, कितना मेयोनीज डाल दिया इन्होंने, सचमुच बर्गर के ज़्यादा तो मेरे हाथ में आ गया है. चलिए भाई, फ्रेंच फ्राइज खाएं, सारी गिरा देती हूँ यहाँ पे. ये देखिएगा, ये आ गई फ्रेंच फ्राइज खूब सारी. अब जो है केचप, जैसे हाथ चिकने हो गया, मुझे लगता नहीं मुझसे केचप खुलेगा, तो इसमें रख देते यहाँ फ्रेंच फ्राइज खा लेती हूँ. अरे यार, ये देखो कैसी हो गई हैं, झुलमुल झुलमुल सी, मुझ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रह गई हैं. तो गाइस,
ये फ्राइज ना बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं, आप देखो ये क्रिस्पी होती तो एकदम डायरेक्ट खड़ी रहती है, अभी तो सॉगी सी हो गया। मील बेकार हो गई मेरी। कोई बात नहीं, ये मुझे पता है अच्छी होगी। हाँ सचमुच यार, कोल्ड ड्रिंक ना गर्मी के मौसम में पीने में बड़ा मज़ा आता है, एकदम मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ और एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। लोगों को कॉफ़ी पी के एनर्जी आती है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पी के एनर्जी आती है। इट्स स्नैक टाइम गाइस, एंड स्नैक टाइम में पता है सिर्फ ये फ्रेंच फ्राइज का ऑप्शन मिला है मुझे, क्योंकि डिनर के लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग था ऑप्शन जो है मैंने बचा के रखा है। तो चलो भाई अभी इंजॉय करते हैं फ्राइज। वैसे 100 रुपए के अंदर फ्राइज देते तो बहुत सारी हैं, बट एक प्रॉब्लम है इसमें, पता है क्या? ये देखो गाइस, फ्रेंच फ्राइज के जो साइज है ना वो इतने छोटू से है, एकदम छोटू मास्टर जैसे, कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। थोड़े बड़े वाले फ्राइज देते तो अच्छा लगता। मैकडॉनल्ड और ये वाले फ्राइज को देखूं क्या डिफरेंस है। मैकडॉनल्ड फ्राइज में और KFC फ्राइज में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इनके साइज के। यहाँ बहुत छोटे से फ्राइज है, वहां पे बड़े बड़े लंबे लंबे और क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज देते हैं। इट्स डिनर टाइम गाइस, एंड मैंने बोला था ना डिनर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है मैंने, पता है क्या है? वो है KFC का वेजिटेरियन राइस बोल। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखो कितनी बढ़िया सी पैकेजिंग के अंदर ये बोल आया है, एंड ओ माय गॉड, अरे ये तो वही वेज स्ट्रिप है ना भाई जो मैंने अपने ब्रेकफास्ट के अंदर खाई थी। लो भाई आज वेज स्ट्रिप ना दो दो बार खाने को मिलेगी। तो वेज स्ट्रिप के बारे में तो आपको पता ही है क्या है, उसके अलावा इसको स्ट्रिप्स को रख देती हूँ यहाँ, चलिए चलिए आप इधर चलिए। उसके अलावा ये देखिए गाइस, ये है इनका जो है बोल, राइस बोल, उसके अंदर में देखिए ये बड़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है ग्रेवी भी डाली हुई है ऊपर से। वैसे एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इनकी, अगर आपको ग्रेवी और चाहिए ना तो आप इनसे मांग सकते हैं, दे देते, मना नहीं करते। चलो अब देखो कैसा है ये। ऑल राइट, हियर कम्स माय बिग बॉय। ये राइस बोल बहुत ही बढ़िया है गाइस, जो ग्रेवी है ना हाय हाय, टमाटो अनियन बेस्ड है, प्लस इतनी बढ़िया चटाकेदार और जायकेदार है, ये खाते ही मज़ा आ गया सचमुच। उसके अंदर मैं देख रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स भी बड़ी हुई हैं, कौन दिख रहा है मुझे इसके अंदर, कैप्सिकम भी बड़ा हुआ है, ये देखिए ये जो है छोटू मास्टर से यहाँ पे है कैप्सिकम। चले भाई वेजिटेबल भी खा लेते हैं, सुबह खाइए तो क्या हुआ, वापस खा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है ना वेज स्ट्रिप और राइस बोल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता है ऐसा ही एक बोल मैंने एक और वीडियो में दिखाया था, सोचो कहाँ दिखाया था, अरे नहीं याद है, बर्गर किंग में दिखाया था ना उनका पनीर वाला राइस बोल, बहुत अच्छा था। ये भी बहुत अच्छा है सचमुच, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जल्दी से जाओ, पहले मेरा बर्गर किंग वाला वीडियो देखो। एंड 114 रुपये के अंदर आई एम टेलिंग यू फुल पैसा वसूल है, आज का दिन भर का ना सबसे अच्छा यही लगा मुझे। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, देखो भाई डिजर्ट में मैं क्या खा रही हूँ। ये है गाइस पिल्सबरी की कुकी केक, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई, आज पहली बार खाऊंगी। वैसे KFC के अंदर ना आपको क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम भी मिलती है, क्रशर्स भी मिलते हैं, बट आज इनके पास ना कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिर्फ इसके। चलो इसी से खा लेते हैं और इसी से अपना मुँह मीठा कर लेते हैं। अरे नहीं खुला, नहीं खुला, अभी नहीं खुला, बड़ा टाइम लग रहा है। अरे यार ये खोलने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। ओ हो वाह, ये देखो इसमें चॉकलेट की स्ट्राइप्स भी लगी हुई है, कितना क्यूट लग रहा है ना। आई होप ये बढ़िया हो, सॉफ्ट हो, एंड चॉकलेट है तो मुझे पसंद आने वाली है वैसे तो। बढ़िया है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है पहली बात तो, सॉफ्ट है, एंड इसको खाने के लिए ना आपको KFC आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लोकल ग्रोसरी शॉप में भी मिल जाएगी। 10 रुपये की है, 10 रुपये में भी ना आपका मुंह मीठा हो जाता है, क्या बात है। भाई ये मैं कर दूँ ख़त्म, एंड क्या पता ना ये दोनों ही मैं खा लूँ, इतनी अच्छी लगी मुझे। आप ना वीडियो देख के प्लीज़ ऐसे ही मत जाना, खूब सारा लाइक देना गाइस, एंड आप लोगों ने ना मुझे 9 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाया, तो जल्दी से ना अब मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब तो करो। हाय
इस कुकी के बाद ही सब्सक्राइब कर दो प्लीज. सी यू इन द नेक्स्ट वन.